लगातार गिर रहा रुपया, कमजोर हो रही भारत की करेंसी, डॉलर के मुकाबले रुपया होता जा रहा है कमजोर। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। एक डॉलर के लिए अब हमको देने पड़ रहे हैं 71 रुपये। पेट्रोल और डीजल पर भी महंगाई की मार, फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, तो क्या महंगाई मार डालेगी? महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की जेब पर एक और बोझ बढ़ गया है। शुक्रवार की सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं, जो लोगों की चिंता बढ़ा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल के दामों में 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी पर पहुंच गए। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त देखी गई। मुंबई में पेट्रोल 21 पैसे की बढ़त के साथ 85 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा, तो डीजल 30 पैसे महंगा होता हुआ 74 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर के दाम पर पहुंच गया। तो वही कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 26 पैसे की गिरावट के साथ 71 रुपये के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को स्थानीय मुद्रा 70 रुपये 95 पैसे पर खुला और बाद में 71 रुपये के स्तर पर चला गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं रुपये की कमजोरी से महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। डॉलर के भाव में 1 रुपये की वृद्धि से तेल कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोलियम उत्पाद कीमतों में 10% वृद्धि से महंगाई करीब 0.8% बढ़ जाती है। महंगाई का असर खाने पीने और परिवहन पर पड़ेगा। डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई महंगी होगी। भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात करता है। रुपये की कमजोरी से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और दालों की कीमतें बढ़ सकती है। मुद्रा कारोबारियों का मानना है महीने के अंत में तेल आयातकों की तरफ से अमेरिकी करेंसी की मजबूत मांग, चीन अमेरिका के बीच व्यापार तनाव के साथ ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद में विश्व की अन्य प्रमुख मुद्रा की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से घरेलू मुद्रा पर असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति बढ़ने की आशंका और घरेलू शेयर बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों की कोष की निकासी से भी रुपये पर असर पड़ा है। गिरते रुपये पर कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से रुपये की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। तो वही सरकार का मानना है रुपयों में गिरावट बाहरी कारणों से हुई है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, जब तक अन्य मुद्राओं के अनुरूप घरेलू रुपये में गिरावट होती है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती। उन्होंने कहा, यहाँ तक रुपया 80 रुपये प्रति डॉलर तक चला जाता है और अगर दूसरी मुद्राओं में भी गिरावट इसी स्तर पर रहती है तो भी कोई गंभीर चीज नहीं है। भारत में महंगाई का सीधा असर डॉलर डालता है। रुपये का कमजोर होना साफ तौर पर इशारा करता है देश में डॉलर का भंडारण कम है और हमें महंगे दामों पर डॉलर खरीदना पड़ रहा है। मतलब हमारे रुपये की वैल्यू विदेशी बाजार में कम होती जा रही है। महंगाई बढ़ना लाजमी है। अब देखना यह होगा कि रुपया इसी तरह कमजोर होगा या फिर रुपये में सुधार होगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। कैसे दिन, नमस्कार। बात मुद्दे की में आपका स्वागत है, मैं हूं राजेश सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की गिरती कीमत ने एक बार फिर सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है सरकार के भ्रष्ट तंत्र की वजह से रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और महंगाई बढ़ी है। तो उधर रुपए के कमजोर होने से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए, इससे महंगाई बढ़ना लाजमी है। अब देखना यह होगा कि रुपए इसी तरह कमजोर होगा या फिर रुपए में सुधार की कोई गुंजाइश है। पर इतना है, रुपए की गिरती वैल्यू और पेट्रोल डीजल के दाम ने एक बार फिर राजनीति सियासत में आग लगा दी है। एक तरफ राफेल सौदा, नोटबंदी पर आरबीआई की रिपोर्ट और फिर डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष कैसे दिन। हम इस मुद्दे पर चर्चा करें, चर्चा शुरू करें उससे पहले
अपने उन मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज की इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले साहब। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं मनोज मिश्रा साहब, कांग्रेस नेता। बहुत स्वागत करता हूं मनोज जी आपका। और हमारे साथ में हैं विकास बोंदरिया जी, बीजेपी नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत करते हैं विकास जी। सबसे पहले आप पर ही आते हैं विकास जी, और जो हमारा आज का विषय भी है चर्चा का, कैसे दिन, आपसे ही जानना चाहते हैं कि वर्तमान की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, जो कुछ देश में चल रहा है, तमाम तरह के कारक हैं, तमाम तरह की बातें हैं, आपसे पूछना चाहता हूं कैसे दिन है ये? देखिए, दिन तो अच्छे हैं जी, ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन विद इन कंट्रोल है, तो मुझे लगता है कि जनता को क्या चाहिए। आम जनता खुश है, बिल्कुल खुश है, दिख रहा है। और आप जनता के समग्रता को जब देखते हैं तो पता लग ही जाता है। हाँ, ये जरूर है कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस गत दिनों में बढ़ी है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है, सबके लिए चिंता का विषय हो सकता है। सरकार उसके युक्तिकरण का प्रयास भी कर रही है, लेकिन सफलता की बात यह है कि डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के साथ में बाजार में महंगाई की दर में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ करता था पहले। वर्तमान में आप देखेंगे कि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखा है। उसके अन्य कारण हो सकते हैं, आपने कहा डीजल पेट्रोल बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, लेकिन रियलिस्टिकली आप ट्रांसपोर्ट बाजार में जाके देखिए, कलकत्ता का भाड़ा, दिल्ली का भाड़े में इजाफा नहीं हो रहा है। उसके अन्य कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है गाड़ियों, लेकिन विकास जी 85 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 71-72 रुपए डीजल है। आप कह रहे हैं बहुत अच्छे दिन है। नहीं नहीं, मैं बात जो कह रहा हूँ, मैं केवल देखिए, अच्छे दिन बुरे दिन किसी एक फैक्टर को लेके नहीं नापे नहीं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, समग्रता में देखी जाती है, ऐसी चीजें हैं कि कई कई जगह इफेक्ट डालती है चीजें। मैं यही तो समझाने का प्रयास कर रहा था आपने बीच में बात जी। आपने कहा पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ से दिल्ली की एक ट्रक की बढ़ जानी चाहिए थी। मैं जो बात रख रहा हूँ कि लेकिन रियलिस्टिकली नहीं बढ़ी है, उसके कारण है हमारा रोड नेटवर्क, रोड्स बेहतर हुई हैं, जिससे डीजल का एवरेज जो आता है, माइलेज जो मिलता था पर लीटर डीजल, वो ज्यादा बेहतर ट्रक वाले बना के रख पा रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। दूसरी बातें हैं, हमारे व्हीकल्स का जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड हुआ है खुद में, उसका हमें फायदा मिल रहा है। तीसरा, जो पहले समय की बर्बादी हुआ करती थी जगह जगह चेक पोस्ट वगैरह के ऊपर, वो कमी हुई है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो हम कह सकते हैं सर, लेकिन आम जनता को जो उम्मीद थी अच्छे दिन आएंगे, उसको राहत मिलेगी, वो तो नहीं दिख रही है। आप कह रहे हैं सक्सेना जी, मेरा कहना है जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस कम हो रही थी तो हमारे यहाँ भी डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी। अब चूंकि इंटरनेशनल क्रूड रेट बढ़ा है और बहुत पहले से 2011-12 से लगभग हम इस फैसले पे पहुंचे थे भारत में, तब तो यूपीए की सरकार थी, कि हम जो है प्राइस डायनेमिक प्राइसिंग का फॉर्मूला रखेंगे, जितनी कीमत मैं दोबारा आपके साथ में कैसे दिन जो हम चर्चा कर रहे हैं मनोज जी के पास में आएंगे। मनोज जी, जिस तरह से जो आज का हमारा मुद्दा है, विषय है, जो कुछ विकास जी कह रहे हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, किस रूप में देखिए, एक एक करके पहले तो विकास जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। क्रूड ऑयल की ये बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल की प्राइसिंग की, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब $145 का एक बैरल आ रहा था, और तब भी पेट्रोल की कीमत इधर तक नहीं पहुंची थी जहां आज पहुंची है। आज ये क्रूड ऑयल की प्राइस की बात कर रहे हैं, $70 है, मतलब जो यूपीए के टाइम में जो था उससे आधा है, मगर पेट्रोल की कीमत ज्यादा है। दूसरी बात, नहीं देखिए, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा जी। मनोज जी बोलिए, मैं आप दोबारा, मैं विकास जी एक एक पॉइंट में बोलिए, मनोज जी बोलिए। दूसरा, विकास जी को ये समझना चाहिए कि जीडीपी का 20%, यानी कि अगर एग्जैक्ट बोले तो 19.8% जो जीडीपी का है वो पेट्रोलियम में आ जाता है। यानी कि अगर इसको आम भाषा में बोला जाए तो हिंदुस्तानी हर आदमी
अपनी कमाई का 20% पेट्रोल पे खर्च करता है। तो पेट्रोल कोई एक छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और इसका अगर आप ऐसा मजाक उड़ाएंगे कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये गलत बात है, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए जी। तीसरा मैं बोलना चाह रहा हूँ बोले जी कि डॉलर की बात आप कर रहे हैं, डॉलर का जो डॉलर का ये वास्तविकता है कि नरसिम्हा राव के टाइम में और मनमोहन सिंह के यूपीए के टाइम में डॉलर को खुद ही डिवैल्यू करा गया था। वो उस समय क्यों करा गया था? इसलिए जिससे कि एक्सपोर्ट बूस्ट अप हो। तो डॉलर के डिवैल्यूएशन से कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान ही होता है, उससे फायदे भी होते हैं। मगर इस वक्त जब पेट्रोल को आपने ओवर प्राइस करके रखा है, तब डॉलर का बढ़ना यानी कि रुपये का गिरना एक तरीके से घातक है इंडिया के इकोनॉमी के लिए। और मैं आपको, आपने दो पॉइंट रेज करे, मैं तीसरा एक और पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं कि पिछले साल लोहे की कीमत 28 रुपए थी इसी वक्त, आज कितनी है? आज 55 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट दुगनी हो चुकी है कीमत। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में लोहे का की डिमांड बढ़ी है। यूएसए, जापान, चाइना, यूरोप, इन सब की इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है। हमने आज 55 रुपए का हम लोहा खरीद रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं, जैसे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, लोहा जो है एक अहम पार्ट होता है कोई भी इंडस्ट्री का। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, यूएसए ने लोहे की प्राइस को ग्लोबली अगर बढ़ाया तो यूएसए ने कंट्रोल करा, उन्होंने सैंक्शंस करे। आपने क्या करा? आपने बढ़ने दिया, आपने और ड्यूटी बढ़ा दी। तो आज आपका ये जो महंगाई है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जी। डीजल तो मनोज जी कहेंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर कुछ उपाय नहीं दिख रहे सरकार के सामने। सरकार की गंभीरता पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। पिछले 2-3 महीने से हमें यही नहीं मालूम था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी है या अरुण जेटली जी है। मतलब वो इलाज चल रहा था उनका। कितना सीरियसनेस है जी। कांग्रेस में चलिए दोबारा आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार शर्मन नगले साहब हमारे साथ में। शर्मन जी क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं, कैसे दिन हैं, अच्छे दिन हैं, क्या बेहतर स्थिति हुई है आम जनता की, और जो लगातार रुपया कमजोर हो रहा है उसकी आखिर वजह? नहीं देखिए, मैं राजेश जी जी पिछले दिनों इसी आपके चैनल पर महंगाई को लेकर डिबेट हुई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि अभी पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ेंगे। वो आपने देखा है कि पिछले 5 दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं जी। ये मैंने इसलिए कहा था कि जैसे ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने को होगी, उसके कुछ दिन पहले से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है ना कम होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि अभी इनको इस तरह ऐसे नहीं लग रहा है कि अभी जरूरत है कम करने की, ये उस समय कम करेंगे। जबकि कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम 5 रुपए पेट्रोल पर और 3 रुपए डीजल पर कम करेंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। ये अभी विचार भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या कमलनाथ ने भी चुनाव को देखते हुए ऐसी घोषणा की? नहीं, कमलनाथ जी ने इसलिए तो कहा चुनाव को लेकर, अभी इसलिए उन्होंने बयान दिया कि अभी करें तो फिर क्या है कि चुनाव के एन वक्त पहले करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, उस समय कर नहीं पाएंगे फिर। तो ये दूसरा मेरा ये कहना था कि यदि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना है तो केंद्र सरकार को इसको जीएसटी के दायरे में लेना होगा। मध्य प्रदेश सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करें, पत्र लिखे, चीफ मिनिस्टर जाके बातचीत करें कि हमारे इस दोनों पदार्थों को जीएसटी के दायरे में ले, जिससे कि मध्य प्रदेश की आम जनता को लाभ मिले। और जहां तक अभी विकास जी ने कहा था कि वो लोग खुश हैं, अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छा माइलेज मिल रहा है गाड़ी में, मेरा ये कहना है कि गाड़ी पेट्रोल और डीजल से चलती है, गाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चलती है। वो तो एक बार आपने लगा दी, उसको मेंटेनेंस कर रहे हैं आप, क्योंकि जब आपके गाड़ी में पेट्रोल डीजल होगा तभी तो एवरेज मिलेगा। जीवन का माइलेज तो गड़बड़ा हुआ है सर। बिल्कुल गड़बड़ा। और देखिए, जहां तक आपने जनता की बात बोली है तो जनता का पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। 5 दिन में जो रेट बढ़ रहे हैं, देखिए क्या है कि गरीब आदमी है, एक किसान है, एक मजदूर है, एक शिक्षक है, एक कर्मचारी है, एक दूसरे वर्ग का काम करने वाला है, वो लोग अपना पूरा बजट बनाते हैं कि भाई हमको अपना काम करने जाना है तो हमको 1 लीटर पेट्रोल लेके जाना है, 1 डीजल पेट्रोल लेके जाना है, तो हमारा 5 दिन चलेगा। और उसमें
आपने रेट बढ़ा दिए तो उसका तो बजट गड़बड़ा गया ना। तो मिडिल क्लास है या जो मध्यम या जो छोटा तबका है या गरीब है, किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, ये बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि आखिर उसके पास आमदनी इतनी नहीं होती है। हाँ ये बात सही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड परेशान नहीं है, ये बात सही है जो पूंजीपति लोग हैं वो परेशान नहीं है, ये बात सही है कि मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टी के इनके कार्यकर्ता, बड़े नेता ये परेशान नहीं है, लेकिन आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान है, बिल्कुल सही कहा आपने। विकास जी क्या कहेंगे, आम आदमी परेशान है और जो जिस तरह से माइलेज की बात चल रही है, जीवन का माइलेज गड़बड़ाया हुआ है, आपको नहीं लगता? आप कहते हैं कि दिन बहुत अच्छे हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन जिससे जूझना पड़ता है, अगर हम रोजगार की हम बात करें तो जिस तरह से दावे रोजगार देने की कही थी वो रोजगार नहीं मिले, हर तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार जो जनता, आम जनता है वो झेल रही है। सक्सेना जी, रोजगार पे चर्चा कभी कर लेंगे जी, बिल्कुल। सारी चीजें जुड़ी हुई है, अच्छे दिनों पे चर्चा कर। मैं जो बात कह रहा था, देखिए महंगाई की दर खुद बताती है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। अब हम दर को ही अगर कांग्रेस पार्टी कहे कि महंगाई की दर ही झूठी चीज है, वास्तविकता कुछ अन्य होती है, तो कांग्रेस ने तो शासन 70 साल 60 साल किया ना भाई, आपने ही महंगाई दर का, जब कांग्रेस सत्ता में थी, एक मिनट सर, नहीं सर मेरा एक सवाल उसको महंगाई दर का फॉर्मूला इस देश में कौन सी सरकारों द्वारा बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया? हम महंगाई दर का जो पैमाना है कैसे नापते हैं ये बताइए ना आप। अरे भाई हर चीज की अलग है, रिटेल प्राइस इंडेक्सिंग अलग है, होलसेल इन्फ्लेशन अलग है। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल। तो बड़ा स्पेसिफिकली मैं बता दूं, मैं लगता मुझे अपनी तरफ से इस मामले में खत्म करना चाहिए। 2013-14 में क्या महंगाई दर थी साहब? डबल डिजिट 10% से ज्यादा की महंगाई तेजी से बढ़ गई थी, और आज क्या है? 5% के आसपास है, वो भी इस साल हुई है, नहीं तो अभी तक तो 3 और 3.5% तक चली गई थी। तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में ध्यान भी दे रही है और पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान दे रही है कि अन्यथा महंगाई का प्रकोप जनता को नहीं भोगना पड़े। अब देखिए डीजल पेट्रोल, आपका प्रोमो बहुत अच्छा था, किन वजह से डीजल पेट्रोल भी अच्छा है, इसलिए भी अच्छा है कि जब 60 रुपए रेट होते हैं पेट्रोल के तो सरकार साइकिल पे चलती है, जब 85 रुपए रेट हो जाते हैं तो कोई किसी तरह की हलचल नहीं देती। एक बात बताइए सक्सेना जी, जब हम प्रतिपक्ष में जी होते हैं, जनता हमें प्रतिपक्ष का कार्य निभाने की जवाबदारी देती है, और तब हमने यूपीए सरकार को अगर पेट्रोल की कीमतों को थामने के लिए मजबूर करा, अपने विरोध प्रदर्शनों के द्वारा मजबूर तो किया, अभी, अभी एक मिनट सुनिए ना कि यूपीए की सरकार, आपको मालूम है किस ढंग के खर्चे हो रहे थे और काय में खर्चे हो रहे थे सन 2012-13 में, दुनिया को मालूम है, वैसे खर्चे ना हो जाएं। अरे भैया सरकार कम पैसे लेगी तो कम गड़बड़ खर्चे करेगी, हमने तो यही दबाव बनाया, क्या गलत किया? हमने अपना फर्ज निभाया तब भी? आज क्या जो रुपया कमजोर हुआ है उसमें माना जाए कि मोदी सरकार की जो नीतियां थी, चाहे वो नोटबंदी हो अन्य तरह की, उसका असर ये दिख रहा है साफ तौर? नहीं, मुझे लगता आपके जो काउंटर पार्ट्स ने प्रोमो बनाया वो आपने ध्यान से नहीं सुना, उसमें स्पष्ट है उन्हें बताया केवल रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर नहीं हुआ है, सभी इंटरनेशनल अलग अलग देशों की करेंसीज कमजोर हुई हैं। उसका कारण भी उन्होंने बताया, थोड़ा सा एक शब्द छोड़ दिया, उन्होंने बताया कि ब्याज की दर में वृद्धि हुई, कहां पर वृद्धि हुई? फेडरल ब्याज की दरों में, अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम में वहां पे ब्याज दरों में वृद्धि की गई। तो होता क्या है, जब अमेरिका का फेडरल सिस्टम अपने ब्याज दरों की वृद्धि को करता है तो अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में लगा होता है अमेरिकन कंपनीज का, वो वहां से वापस समेटती है और अपने देश को ले जाती है क्योंकि वहां ब्याज दर बढ़ गई है। इस वजह से हिंदुस्तान में भी हमें दिक्कत आई, यहाँ पे जो हमारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इन्वेस्टमेंट थे कुछ समय के लिए, उन्होंने यहाँ से जब पैसा वापस अपने देश को लेके गए हैं तो डॉलर की प्राइसिंग इसलिए बढ़ी सर, जिस तरह से इसके बाद में फिर पेट्रोलियम के हमारे जी। पेट्रोलियम के हमारे देखिए, और खुद ही मिश्रा जी ने भी बोला कि हमेशा
डॉलर की मुकाबले रुपए का अवमूल्यन घाटक नहीं होता। नहीं, मगर इस बार दुनिया भर में है। मैंने ये भी बोला कि इस बार इसलिए क्योंकि आपने ओवर प्राइस करके रखा है पेट्रोल को। अब राजेश जी, आप मुझे बोलने दीजिए, मनोज जी भाई साहब आप इन्हीं को बुलाया करिए क्योंकि इन्हीं को बोलना है। मनोज जी बोलेंगे, अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए मनोज जी, आप बोलिए, बिल्कुल मौका मिलेगा, काफी वक्त है अभी जी। इन्होंने बात करी कि इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ रहा। देखिए इन्फ्लेशन, हाँ तो मैं बोलने तो दीजिए मुझे, जुलाई का फिगर बताइए आप। इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी पिछले महीने रेपो रेट को 0.5% बढ़ाया गया। अभी जो डॉलर को डिवेल्यूएशन हुआ है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आरबीआई के गवर्नर रेपो रेट को अभी और बढ़ाएंगे। और उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि लोन लेने वाले को हायर परसेंटेज पे लोन मिलता है, जो ईएमआई है उसके रेट्स बढ़ते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये ठीक हो गया तो बाकी सब ठीक हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए, 2013 में इसी तरीके की चीज हुई थी। 2013 में भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदली थी और पहले र्यूमर निकला, उसके बाद बदला। डॉलर का भाव उस वक्त भी बढ़ गया था, रुपया गिरा था, मगर उसको मनमोहन सिंह सरकार ने बड़े अच्छी तरीके से संभाला। और उसको संभालने का जो फॉर्मूला है, आज जितने इकोनॉमिस्ट है वो यही बोल रहे हैं कि अगर आज की तारीख में संभालना है तो 2013 को जानबूझ के अवमूल्यन किया। 2013 वो तो कहा था नरसिम्हा राव के टाइम में, आप क्या बातें कर रहे हो? और आज की बात करो के लिए किया भाई, मनमोहन सिंह जी के वक्त में येन कमजोर नहीं हुआ था डॉलर के मुकाबले, पाउंड या फ्रैंक कमजोर नहीं हुए थे। 2013 में पूरे सारे करेंसी कमजोर हुए थे, रुपया ही कमजोर हो रहा जी था। नहीं, आप 2013 में जाइए, 2013 में भी यूएसए के फेडरल इंटरेस्ट रेट्स में चेंज के वजह से ग्लोबल चेंजेस आए थे। आप बेकार मत कोट करिए, मुझे 2013 की में बात करिए हमारे लिए। और 2013 में मनमोहन सिंह ने उसका कंट्रोल करा था, निकल गया। और आज की तारीख में सारे इकोनॉमिस्ट एक होकर बोल रहे हैं कि आज की तारीख में मैं भी भारतीय हूँ और मैं चाहता हूँ। देखिए एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। इन्फ्लेशन 10% क्यों? मुझे मौका नहीं देते, ये तो बकबक बकबक करते रहते। चलिए मनोज जी बोलिए, थोड़ा तो बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए ना, लगातार बोल रहे हैं आप जी, बोलिए। 2013 में यही सिचुएशन थी जो आज है, उस समय भी डॉलर एकदम तेजी से बढ़ा था, इतना तो नहीं बढ़ा था मगर हाँ बढ़ा था। और उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने उस समय यूज करे थे, आज एक इंडियन होते हुए मैं इकोनॉमी को गिरते हुए खुश नहीं होऊंगा कि भाजपा की वजह से गिर रहा है तो मैं खुश हूँ, मैं नहीं होऊंगा खुश। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको इकोनॉमिस्ट की राय सुननी चाहिए और 2013 का ही फॉर्मूला अपना कर इकोनॉमी को कंट्रोल में कर, उस इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए एक फ्लेक्सिबल क्या बोलना चाहिए, कमोडिटी रेट्स होते हैं। और कमोडिटी रेट्स बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। आज बारिश के बाद कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ सकती है, तो आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। चलिए आपको, चलिए सरमन जी के पास में मनोज जी, बड़ा छोटे कमेंट ले लूंगा, आप दोनों मेहमानों से छोटे छोटे कमेंट ले लूंगा। सरमन नगेले साहब हमारे साथ में है। सरमन जी जिस तरह से बात हो रही है, चौतरफा कहीं ना कहीं इफेक्ट जो दिख रहे हैं, एग्जांपल दिया कि किस तरीके से क्या जो नीतियां रही हैं इन चार साल में, इकोनॉमी को लेकर माफ कर दिया भाई साहब, बहुत प्लीज मनोज जी और विकास जी प्लीज विकास जी, मनोज जी लोहे की कीमत 55 रुपए क्यों हुई है? विकास जी मनोज जी पैसे में क्या कीमत है? आप कंपेयर करिए 50 रुपए क्या लोहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मेक इन इंडिया का मेजर कंपोनेंट है कि नहीं है? मैं आऊंगा, मैं आऊंगा छोटे छोटे कमेंट से लेने, दोनों के पास में आऊंगा। शर्मा नगरे साहब हमारे साथ में है, 28 रुपए का आज प्लेज मनोज जी, प्लेज मनोज जी प्लेज, पिछले साल था इसी वक्त मनोज जी आपस में ये लो, ये सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। क्या बोला 28 रुपए, तब भी 38 रुपए बिल्कुल। अरे लो विकास जी, विकास जी 38 रुपए 40 पैसे मनोज जी दिसंबर में था। प्लीज शर्मा नगरे साहब हमारे साथ में, शर्मन जी क्या कहेंगे जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं, कोई अच्छी स्थिति नहीं है। जो कुछ नीतियां रही हैं चार साल में मोदी सरकार की, क्या उसका, क्योंकि अगर देखा जाए आरबीआई की जिस तरह से कल रिपोर्ट आई है नोटबंदी को लेकर, नोटबंदी का एक इफेक्ट है और बाकी जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, क्या माना जाए कि जो डिसीजन थे कहीं ना कहीं वो अनुकूल नहीं रहे? डिसीजन थे ही नहीं साहब,
चलिए शर्मा जी, शर्मा जी देखिए, आपने राजेश जी बहुत आपने सही बात बोली जी, है जी, कि आरबीआई बार बार अपने कमेंट दे रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, नोटबंदी को लेकर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और चिदंबरम का भी बयान आ रहा है, इनकी पार्टी का भी बयान आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नोटबंदी जो है ना वो भारतीय मतदाता के लिए, भारतीय नागरिक के लिए घातक सिद्ध हुई है, और घातक सिद्ध होने के साथ साथ जो है ना ये जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने उसके लिए अच्छा काम किया है वो इस निर्णय के कारण उनकी योजनाएं जो है ना वो इस निर्णय के कारण उनकी योजनाएं जो है ना वो थोड़ा सा पिट गई बिल्कुल। यदि वो ये निर्णय उनको जो है ना बहुत ही ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का इतना मतलब आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं कि अब वो चुनाव में क्या रंग खिलाएगा ये देखना होगा, लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। देखिए जैसे उनका डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ई पेमेंट्स, मोबाइल के थ्रू सर्विसेज, आम आदमी के लिए सुविधाएं, गैस पर उन्होंने जो है ना सब्सिडी छोड़ने की बात की, लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, गरीबों को पैसा दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी स्कीम्स है उनकी जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ये इनके नेता जो है ना माननीय मनोज मिश्रा जी ये यहाँ तो चिल्ला रहे हैं लेकिन सड़क पर कुछ नहीं कर पाते। जब यही दरें जो है ना कांग्रेस के समय में बढ़ी थी तो स्मृति ईरानी और इनके नेताओं ने हाय तो मचा दी थी, गैस सिलेंडर लेके पहुंच गए थे जगह जगह, पूरे देश में हंगामा कर दिया, साइकिल पर भी चल दिए थे साइकिल। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना वो यहाँ तो चैनल पर तो डिबेट में अच्छी बात करती है, इनके नेता आक्रामक भी होते, लेकिन मेरा ये आग्रह है थोड़ा जनता के बीच में जाइए, जरा कीजिए कि कितनी दरें बढ़ी है। कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया है क्या अभी? कांग्रेस ने कोई इस तरह का कोई मूवमेंट खड़ा किया है? क्योंकि अभी नहीं बढ़ी है कीमत, है लंबे समय से बढ़ती आ रही, जो कुछ हो रहा है वो सोशल मीडिया कर रहा है, जो कुछ हो रहा है वो मीडिया कर रहा है, जो कुछ हो रहा है वो जो आर्थिक मामलों के जानकार है वो कर रहे हैं, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। समय साहब बहुत अच्छी बात आपने कही, अभी कमलनाथ जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि अब एहसास हो गया है कांग्रेस को कि पीसीसी में बैठकर बीजेपी से मुकाबला संभव नहीं है, यही कारण है कि अब कांग्रेस गांव गांव तक पहुंच रही है, काफी देरी हो गई इसमें। नहीं नहीं बिल्कुल सही आपने कहा है कि देखिए कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं कि हमारा संगठन का जो ढांचा है वो बहुत कमजोर है और पिछले 15 सालों में और ज्यादा कमजोर हो गया है। तो अब उन्होंने खुद भी कहा था कि हम कमेटी या बूथ लेवल पे उनके कार्यकर्ता मैनेजमेंट ये सब कर रहे हैं, उसी दिशा में वो आगे बढ़े हैं, लेकिन मेरा अब उस पर विषय नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को कम से कम राकेश सिंह से कुछ सीखना चाहिए। मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राकेश सिंह जैसे ही पार्टी अध्यक्ष बने उन्होंने 9 संभाग, पूरे संभाग घूम लिए, पूरे जिले घूम लिए, पूरे कार्यकर्ताओं से मिल लिए, उन्होंने लगातार मीटिंग की, और माननीय कमलनाथ जी क्या कर रहे, पीसीसी में बैठक कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो भी इसी तरह के एक एक ब्लॉक में एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाके जनता से जुड़े। में कुछ आप नहीं, मैं जो भाई साहब ने जो एडवाइस दी है उसको सर आंखों पे लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने अच्छी एडवाइस दी है कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। इनको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने बैलगाड़ियों की यात्राएं जगह जगह निकाली है, उन्होंने पेट्रोल की लेकिन सर एक एक कहीं ना कहीं एक बात आती है कि आप भोपाल इंदौर बड़े आपको जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचे, ये तो कमी कांग्रेस की रही है। ये बात मानने में मुझे कोई भी जी वो नहीं है कि कांग्रेस की का संगठन पिछले 15 सालों में काफी तरीके से टूट गया और काफी तरीके से लोग कम हो गए, और सबसे पहले कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी ने यह सोचा कि हमें पहले संगठन को खड़ा करना है। जब एक बार संगठन नहीं हुआ, महंगाई का आज हमारा मुद्दा है, कैसे दिन का जो हमारा मुद्दा वो इसी पे फोकस है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिम्मेदारी है, और संगठन आज हमारा मजबूत होते जा रहे हैं। छोटा समाज विकास जी की बहुत कम है, विकास जी आने वाले समय में यही नारा रहेगा कि अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो सरकार ने लाए, देश में महसूस होता है लोगों, गुड गवर्नेंस महसूस होता है लोग, नीचे के तबका जो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग था, हाँ सर, उसको जो सुविधाएं मिली हैं, जो समान प्रगति का अवसर मिला है वो उसे महसूस होता है साहब।
तो मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास जो हम बात करते हैं, चलिए सबका साथ सबका विकास बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और हमारी पार्टी की सरकार टेस्ट भी आगे देखने को मिलेंगे 2018-2019 में, देखना होगा। हालांकि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, जनता है, जो आम जनता है, निश्चित तौर पर परेशान है, और जो एक अच्छे दिन का वादा था, ये तो आने वाला समय और बताएगा कि किस तरह की, या फिर सरकार किस तरह से इस स्थिति परिस्थिति को रिकवर करती है, ये देखने वाली बात होगी कैसे दिन। आज इस मुद्दे पर हमने चर्चा की, हमारे साथ इस चर्चा में विकास मुंदरिया साहब, बीजेपी नेता जुड़े, बहुत शुक्रिया विकास जी आपका, सलमान नगेले साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मनोज मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, लगातार जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, और जो नोटबंदी के बाद आरबीआई की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जिस तरह से रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस मंशा से नोटबंदी की गई थी उसका फ़ायदा नहीं मिला, इसके अलावा अन्य तरह की चीज़ें, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल खास तौर पर गैस जो दाम हैं वो परेशानी का सबब बने हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि अब इन हालातों को सरकार कैसे हैंडल करती है। और वैसे भी आगे लगातार अब जो दौर है वो चुनावों का है, और जनता का क्या कुछ रिएक्शन इसको लेकर आता है। आज की हमारी चर्चा में बस इतना ही, न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।